मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई पर की गई टिप्पणी के बाद कुलदीप समर्थकों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। पूर्व संसदीय सचिव ढोडाराम ने कुलदीप बिश्नोई को आदर्श नेता बताते हुए कहा कि मनोहर लाल खट्टर आज कुलदीप बिश्नोई की मेहनत के कारण ही मुख्यमंत्री पद पर विराजमान है। जब भी सरकार आएगी, ढाई साल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कुलदीप जी रहेंगे, और खट्टर साहब ये कहते हैं अनुभवी नेता है। अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आदमी झूठ, तो इतनी झूठ बोले, मुख्यमंत्री जी को थोड़ा ज्ञान होना चाहिए कब समझौता हुआ था। चौधरी भजनलाल जी के देहांत के बाद ये समझौता हुआ, और चौधरी भजनलाल जी कभी नहीं चाहते थे, हमें पता, चौधरी भजनलाल जी कभी नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी से कोई समझौता हो, और हमेशा ये क्या करते हैं हमें कि ये धोखाबाज पार्टी है। तो ये सिर्फ इतना आदमपुर में आके लोगों को गुमराह करने की बात है। चौधरी भजनलाल जी ने बार बार ये क्या करते कि ये हमेशा इन्होंने धोखा दिया, चाहे हरियाणा में बंसीलाल हो, चाहे चौधरी देवीलाल हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला, सबको इन्होंने धोखा दिया है। ये पार्टी हमेशा धोखाबाज पार्टी रही है। और मैं बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी भाई कुलदीप जी की वजह से आई है, यानी कभी भी 4 और 6 सीट से ऊपर सीटें नहीं आई थी। भाई कुलदीप जी समझौते के बाद सारे हरियाणा में 6 महीने सड़कों पर रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब कहाँ थे, खट्टर साहब जब कहाँ थे, हरियाणा में खट्टर साहब का कोई नाम था उस टाइम? सब भी भाई कुलदीप जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीटें आई। पता चल जाएगा जब इलेक्शन आएगा कि क्या पोजीशन भारतीय जनता पार्टी की है। खट्टर साहब तो अपना नया हलका तलाश करने में घूम रहे हैं। जिस तरह ढोडाराम के तेवरों से साफ है कि आने वाले समय में कुलदीप समर्थक सीएम को घेरने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। फतेहबाद से साहिल रुखाया की रिपोर्ट।